वेलकम बैक टू श्री शकांक्षा व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो सुबह हो गई है एंड अब मैं नीचे जाके देखती हूँ कि अभियुक्त क्या कर रहा है। तो बेसिकली जब मैं रेडी होती हूँ तो मैं नीचे अभियुक्त को दे देती हूँ, मेरे मॉम डैड उसको थोड़ी देर देखते हैं, फिर मैं रेडी होके नीचे जाती हूँ। तो अभी देखते हैं, बहुत सी बार वो सो रहा होता है और बहुत सी बार वो उठ जाता है, तो देखते हैं वो भी जग रहा है क्या। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका मॉर्निंग से रात तक का पूरा स्केड्यूल कैसा रहता है, कैसे कैसे वो मस्तियाँ करता है। तो लेट्स गो। अली ये कौन बच्चा रेडी हो गया है का। खेल करना है। तो गाइज अभी मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा वर्क डेस्क है एंड यहीं पे बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। अभियुक्त भी नीचे नाश्ता कर रहा है तो उसको मम्मी नाश्ता करा रही है एंड अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग्स हो जाए, फिर शाम को मैं आपको दिखाऊंगी हमारा बैकयार्ड। हमने बहुत अच्छा चीज़ें उसमें ऐड की है तो वे बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो थोड़ा ऑफिस का काम करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं एंड अभियुक्त अपनी फर्स्ट नैप के लिए अभी सोया है, तो लेट्स सी वो कितनी देर सोता है। सुबह मोस्टली वो 8:30 पे उठता है, फिर थोड़ा खेलता है, कुछ खाता है और फिर 10:30 तक सो जाता है। कभी कभी देर तक खेलता है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट हाँ एक नैप वो मॉर्निंग में लेता है और फिर एक नैप वो लेटर आफ्टरनून में लेता है अराउंड 4:00 तक। तो लेट्स सी अभी कितनी देर में उठता है, तब तक मैं अपने बाकी के ऑफिस की मीटिंग्स करती हूँ एंड फिर आपसे मिलती हूँ। ऑल्सो गाइज अभी क्योंकि समर्स है तो हमने सोचा कि अभियुक्त को थोड़ा वो जो होता है फ्लोटिंग क्या बोलते हैं फ्लोटिंग वाला जो होता है जिसमें बेबीज़ को ऐसे वेस्ट जैसा होता है जिसमें बेबीज़ को रख के एंड फिर थोड़े से पानी में डालते हैं एंड हम लोग भी रहते हैं साथ में ताकि वो थोड़ा पानी से यूज्ड हो। तो हमारे पास नीचे बैकयार्ड में जकूजी है एंड ऑल्सो मैंने उसके लिए एक लाइक इन्फ्लेटेबल पूल छोटा सा लिया है, छोटा इतना ही हाइट है उसमें, पर अभी हम लोग उसको उसमें बिठा के और फिर उसको यूज़ टू करा रहे हैं। और क्योंकि अभी समर्स भी है तो हमने ये वीकेंड पे भी किया था, तो आप उसकी थोड़ी फुटेज देख लो। वो रो नहीं रहा था बट वो ऐसे हमने छोटे छोटे टॉयज़ रखे थे फिशेस, तो उनके साथ खेल रहा था तो काफ़ी अच्छा था। अभी धीरे धीरे उसको हर वीकेंड ऐसे लाइक 10-15 मिनट्स ही रखते हैं हम लोग, बट उसको यूज़ टू करा रहे हैं ताकि आगे जाके वो स्विमिंग क्लासेस में जाए तो वो उसको ऐसा लगे कि हाँ ऐसे फ्लोट करना है, तो वो थोड़ा यूज़ टू रहे। टूट जाएगा भाई, ये टूट जाएगा। तो गाइस शाम के 5 बज गए एंड ऑफिस खत्म हो गया है, तो अभी मैं बैकयार्ड में आई हूँ। बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, एकदम अच्छे से हवा चल रही है और धूप भी नहीं है, तो हो सकता है बारिश आए, बट मैं आपको दिखाती हूँ बैकयार्ड में हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखो, हमने एक छोटा सा झूला ख़रीदा है जो कि जिसका जो शेड है वो नीचे हो चुका है, बट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए।
तो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं कभी कभी, बहुत ही अच्छा झूला है। एंड ऑल्सो हमने एक और चीज़ की है, मैं दिखाती हूँ। हमने हमारा जो यहाँ पे फायर प्लेस है, हमारी फायर प्लेस को हमने वुडन वाली थी उसको हमने हटा के और अब गैस वाली फायर प्लेस बना दी है। तो अब बस कभी भी स्विच ऑन करो और ऑन हो जाती है, क्योंकि वुड वाली में ना बहुत टाइम लगता था उसको प्रिपेयर करो, फिर फायर डेवलप करो, तो उसमें बहुत टाइम जाता था, तो इस वजह से ये एरिया यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो अब हमने यहाँ पे ये लगा दिया है, तो होपफुली अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर बैठेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने, जैसे कि हम हर समर्स में करते हैं, हमने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं टमेटोस के, बेल पेपर के, चिलीज के। ये सारे टमेटो है, वो चिली आप देख सकते हैं, मिर्ची आ भी रही है। तो या टमेटोज बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखो इतने सारे हमारे पास मैरीगोल्ड के फ्लावर्स उगे हैं, ये अपने आप उगे, हमने नहीं उगाए हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है ये एरिया। ये मेथी है, ये भी हम तोड़ेंगे। ये मिंट लीव्स है। हेलो एवरीवन, आ गया मैं फाइनली ऑफिस से, बच्चा तो सो गया है। हाँ, दो मिनट के लिए खेला मेरे साथ, फिर उसको ऐसी नींद आई कि जाके सो गया, क्योंकि आज सोया नहीं था ना शायद दिन भर। आज एक बार सोया था, तो ये उसकी सेकंड नैप है दिन की। अच्छा, तभी। पर आज वो उसकी थोड़ी तबीयत, उसने वॉमिट किया आज। हाँ, एक बार वॉमिट किया है, ज्यादा करेगा फिर कल लेके जाते डॉक्टर के पास। तो गाइज यही रीजन है कि हम लोग व्लॉग नहीं डाल पा रहे थे पिछले 10 महीने से, क्योंकि हमारा हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहते हैं, या तो कभी वो खा नहीं रहा है या वो कभी सो नहीं रहा है। नहीं, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा, वो टाइम मिलने का प्रॉब्लम था, वो तो हमेशा ही चलेगा, कभी खाएगा कभी नहीं, कभी पसंद का नहीं रहेगा, कभी मूड ठीक नहीं रहेगा, कभी पेट दुखेगा। हाँ, तो इस वजह से हम लोग का पूरा टाइम उसी में जाता था। कोई नहीं, अभी बड़ा हो गया थोड़ा, बट अब क्योंकि मम्मी पापा भी आ गए हैं एंड प्लस वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो कम नाटक है, तो इसलिए हम अब सोचा कि हम वापस से रिज्यूम करते हैं व्लॉगिंग। हाँ, डालते हो, मैं जल्दी डालूंगा, आ रहे होंगे वैसे, आपको कुछ ब्लॉग ऑलरेडी देख चुके होंगे और आगे भी होपफुली जल्दी जल्दी आने चाहिए। समर है, यही टाइम में बाहर निकलने का, घूमने का, थोड़ा इस बार घूमने भी जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, इतने दिनों से कहीं निकले नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, बट आप लोग बताना हमारा झूला कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप टाइम पास हो, ऐसा नहीं घर के अंदर भी होना चाहिए कि जाके अपना बैठ जाओ ऐसे ऐसे ऐसे। घर के अंदर तो बच्चा है तो वो उसके गिरने के चांस उस पर चढ़ के। देखो यहाँ से हमारा ये डेक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हमने जो हमारा जकूजी है उसको प्रॉपरली अच्छे से क्लीन किया लास्ट वीकेंड शिरीष ने, और पूरा उसको पानी चेंज किया। बच्चे के साथ बैठा भी, जो वीडियो आपने इसी व्लॉग में देखी होगी सुबह। तो अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर, हम सोच रहे हैं कि ये डेक में वापस पेंट करेंगे। भैया नीनी आ ली है, का सो रहा है पता है? नींद आ रही क्या? ऐसे झपकिया ले रहा है तो अभी तो सो के उठा ही, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी नींद आ रही हो अभी भी। इतनी देर शांत बैठ गया, मेरे को भी आश्चर्य हो रहा था इतनी देर किससे शांत बैठ गया ये। वो भुट्टे का वो मिल गया ना, वो पकड़ के बैठा है। ये तीन तो फेंक दे क्योंकि इसमें मक्खी बैठ गई है। अच्छा, oh
कार से निकाल लिया। उसका निकाला ये तो मेरे से भी नहीं निकलता है कभी। ये निकाल के बता दिया तेरे को। भाई 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 जुड़ा जुड़ा भाई। तो गाइस रात के 8 बज चुके हैं एंड अव्युक्त ने अपना डिनर कर लिया है एंड अब बस वो सोने की तैयारी में। हम लोग भी उसको सुला के थोड़ी देर रैप अप करते हैं किचन वगैरह एंड और कुछ काम होता है तो वो करते हैं और फिर हम भी सोते हैं। होपफुली आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी। तो आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।